एक खेळाडू म्हणून मी कोणत्याही खेळाला नेहमीच प्रोत्साहन देतो आणि गोल सारखा खेळ तर थरारक आहे या खेळाने आपल्या देशाची शान राखली जात आहे असे प्रतिपादन माजी क्रिकेटपटू कपिल देव यांनी व्यक्त केले कृष्णपट्टणम पोर्ट सारख्या स्पर्धेमुळे अनेक नवोदित खेळाडूंना संधी मिळणार असून त्यांना त्यांची जाण असेल यासारख्या स्पर्धांमुळे तरुण गोल्फरना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन मिळणार आहे तसेच यामुळे भारतात क्रीडा प्रकाराला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे असे प्रतिपादन माजी क्रिकेटपटू कपिल देव यांनी केले तीसरा कृष्णपट्टनम पोर्ट गोल्डन ईगल्स गोल्फ चैंपियनशिप के आयोजन के लिए होते या स्पर्धा का उद्घाटन प्रसंगी बोलते होते सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कोर्स जब बन जाते हैं तो गोल्फर आ ही जाते हैं ऐसे दुनिया के शायद बेहतरीन कोर्सों में से एक माना जाएगा क्योंकि इंडिया के जो गोल्फ आई है इम्प्रूव हुई है वो गोल्फ आ... क्लब से आए हैं कि क्लब इतने अच्छे अच्छे बने कोर्सेज इतने अच्छे अच्छे बने उम्मीद करते हैं कि और लोग भी इसमें ध्यान दें और आने वाले समय में इंडियन गोल्फ बहुत बेहतर शो करेगा आई थिंक ऐसे कोर्स अगर बनते रहेंगे तो भविष्य बहुत बेहतर है लड़के लड़कियाँ आगे आने की उम्मीद है और कर भी रहे हैं अच्छे ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे शायद अभी शिव कपूर ने जीता दिल्ली में पैनासोनिक सो ऐसे ऐसे टूर्नामेंट और आएंगे तो और उनको मौका मिलेगा तो और बेहतर खेल पाएंगे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे गोल्फर ॲशले रॅम्से या निमित्ताने स्पर्धेसाठी उपस्थित राहणार रा असून खेळाडूंशी संवाद साधणार आहेत